खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। सुजालपुर विधानसभा क्षेत्र में भारत उत्थान अभियान के राष्ट्रीय संयोजक राजेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि वेदी पंचगव्य सेवा केंद्र खिलचीपुर के तत्वाधान में गौरक्षा जागरण यात्रा 4 नवम्बर गोपाष्टमी से सुसनेर गौभ्यारण से प्रारंभ होकर 11 नवम्बर को भोपाल पहुंचेगी। इस यात्रा में गौ माता की रक्षा, गौ माता की सेवा और गौ चिकित्सकीय के उद्देश्य से यह यात्रा निकाली जा रही है। आपको बता दें कि यह यात्रा सुसनेर, जीरापुर, छापीहेड़ा, खुजनेर, पचौर, चाटूखेड़ा, करेली, राजगढ़ आदि स्थानों से होते हुए भोपाल पहुंचेगी। साथ ही जिन जगहों पर इस यात्रा का रात्रि विश्राम होगा वहां पर रात्रि में गौ कथाएँ होंगी, गौ सेवकों का सम्मान होगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों में गौ माता के प्रति भक्ति जागृत करना है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 12 तारीख को ओमकारेश्वर में कामधेनु मंदिर का भूमि पूजन भी किया जाएगा। वेदी पंचगव्य सेवा केंद्र खिलचीपुर के तत्वाधान में गौ रक्षा जागरण यात्रा 4 नवंबर गोपाष्टमी से सुसनेर गौ अभ्यारण्य से प्रारंभ होकर के 11 नवंबर भोपाल तक रहेगी। इस यात्रा में गौ माता की रक्षा, गौ माता की सेवा हो और गौ चिकित्सा को लेकर के यात्रा निकाली जा रही है। सुसनेर से प्रारंभ होकर के जहां पर रात्रि विश्राम रहेगा उन स्थानों पर वहां पर गौ कथा होगी, गौ चिकित्सा होगी, गौ सेवकों का सम्मान होगा। इस यात्रा के माध्यम से हम लोगों को गौ माता के प्रति भक्ति का जागरण कराएंगे और 12 तारीख को ओंकारेश्वर में कामधेनु मंदिर का हम भूमि पूजन करेंगे। इस प्रकार की ये हमारी एक यात्रा सुस्तन गौ अभ्यारण्य से प्रारंभ होकर के जगह जगह पर ये कार्यक्रम रहेंगे, सभाएं होगी, संकल्प दिलवाएंगे। साथ में 4 नवंबर को सुसनेर से प्रारंभ होकर के सुसनेर, जीरापुर और छापीहेड़ा रात्रि विश्राम रहेगा। छापीहेड़ा में वहां पर गौ कथा भी होगी, गौ चिकित्सा होगी, गौ सेवा का सम्मान होगा। 5 नवंबर को छापीहेड़ा से प्रारंभ होकर खुजनेर होती हुई पचौर रात्रि विश्राम रहेगा। 6 नवंबर को पचौर से चाटूखेड़ा करेड़ी होकर के राजगढ़ रात्रि विश्राम रहेगा। 7 तारीख को राजगढ़ से प्रारंभ होकर कालीपीठ, सुमासड़ा, फिर ब्यावरा रात्रि विश्राम। 8 तारीख को ब्यावरा से मलावर, आगर, आंदल हेड़ा तो रात्रि नरसिंहगढ़ रुकेंगे। 9 तारीख को नरसिंहगढ़ से प्रारंभ होकर के कुरावर, झाड़ला होते हुए कुरावर रात्रि विश्राम रहेगा। 10 तारीख को कुरावर से प्रारंभ होकर के श्यामपुर दोराया होते हुए भोपाल में रात्रि विश्राम रहेगा। 11 तारीख को भोपाल में गांधीनगर से प्रारंभ होकर एक पदयात्रा लाल घाटी, अग्रसेन चौक और कमला पार्क होते हुए मुख्यमंत्री निवास पर माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाएगा। उसमें साथ में 51 गौ माता रहेगी, गौ सेवक रहेंगे और समाज के प्रतिष्ठित वर्ग मिलकर के गौ माता की सेवा हो। जो रोड पे गाय घूम रही हैं वो लोग घर में आकर के सेवा करें। हमारा मुख्यमंत्री जी से यही आह्वान है कि गौ माता हर घर में हो, जो गौ सेवक हैं उनको आर्थिक लाभ दिया जाए, गाय का गोबर, गौमूत्र इसको क्रय करने की व्यवस्था हो। आज बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर कि जो लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं उनको एक आर्थिक लाभ दिया जा रहा है। सरकारें गौमूत्र और गोबर खरीद रही है, इसके कारण आज के राज्य ऐसे जैसे हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में गौ माता की लोग सेवा कर रहे हैं, सड़कों पे गौ माता की कमी आई है। ऐसा ही हम मध्य प्रदेश सरकार से भी यही आग्रह करना चाहेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश में गौ माता की सेवा हो, गौ माता बचे, इसको लेकर के यात्रा निकाली जा रही है। राजेंद्र सिंह राजपूत, संयोजक गौ रक्षा जागरण यात्रा। जय हिंद, जय भारत। मैं माखन सिंह तंवर, गौ सेवा वैदिक पंचगौ सेवा केंद्र खिलचीपुर से हूँ। और मध्य प्रदेश में जो गौ माता की स्थिति दयनीय हो रही है, उस दयनीय स्थिति से गौ माता को उबार करके हमारा प्रयत्न ये रहेगा कि ये गौ माता प्रत्येक घर में बन जाए और सड़कों पे आने से बच जाए। इसके लिए हम एक पद यात्रा निकाल रहे हैं। इस पदयात्रा का जो मुख्य उद्देश्य रहेगा कि प्रशासन के सामने एक सबसे बड़ी समस्या है कि गौ माता को कहाँ चलने के लिए लिया जाए, तो हम एक सजेस्ट कर रहे हैं कि आपके जितने भी रोड हैं, रोड पर
26 फीट 52 फीट या 70 फीट की जगह आप रोड के आसपास छोड़ दी जाती है, तो आप उस जगह को खाली करवा दीजिएगा। और ये जगह यदि खाली होगी तो उस जगह पे हमारी गौमाता आराम से अपना पेट भर सकती है। और इस गौमाता को प्रत्येक परिवार, जिस प्रकार से आप 1 किलो का अनाज दे रहे हैं, उस प्रकार से यदि एक गौमाता उस परिवार को दी जाए तो उस गौमाता से जो गोबर और गौमूत्र मिलेगा, इससे उसकी जो कृषि है उसमें सुधार होगा। कृषि में जितना पेस्टिसाइड और यूरिया दिया जा रहा है उसका जहर को समाप्त करके आदमी को शुद्ध भोजन मिलेगा। इससे क्या होगा कि यदि जमीन, आज की पोजीशन ये है कि जमीन का 6 इंच वाला हिस्सा बिल्कुल बंजर हो गया है, तो इससे वो हिस्सा भी वापस उपजाऊ होगा और उसके कारण जो उपजाऊ चीज मिलेगी तो हमारा जो परिवार है उस परिवार को शुद्ध भोजन मिलेगा, तो वो भी बीमारियों से बचेगा। तो इन सब बातों को लेकर के हमारा ये पद यात्रा है, और पद यात्रा में हम यही लोगों से, ग्रामवासियों से करते हैं कि आप उनको गोबर और गौमूत्र के द्वारा खेती करेंगे तो आपको बहुत ही जैविक रूप से ये दूसरे खाद वगैरह जो देना पड़ते हैं उससे भी फायदा होगा, खेती भी अच्छी होगी, खेती का भी फायदा होगा, परिवार का भी फायदा होगा और हमारी गौमाता भी बच जाएगी। इसी उद्देश्य को लेकर के हमारी पद यात्रा चल रही है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज़।